दोस्तों अभी आप जो बाइक देख रहे हैं यह है यामा की M-Series 150 जो कि दोस्तों एक 150 सीसी की नेकेड स्पोर्टी बाइक है। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि यामा कंपनी अभी इस बाइक को हमारे इंडिया के बाहर इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च करती है और हो सकता है कि कंपनी बहुत ही जल्द इस बाइक को हमारे इंडियन टू-व्हीलर मार्केट में भी लॉन्च करें। तो आज के इस वीडियो पर हम इसी बाइक के बारे में कंप्लीट डिटेल्स में बात करने वाले हैं कि इस बाइक को कब तक हमारे इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है, इसमें आपको कौन कौन से फीचर्स देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ अगर इस बाइक को हमारे इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च किया जाता है तो इसकी प्राइस पॉइंट कितनी होगी, उन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बाइक के फीचर्स के बारे में बात करें तो इस बाइक में आपको स्पोर्टी लुक के साथ साथ काफ़ी सारे फीचर्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि बाइक में आपको ऑल एलईडी लाइटिंग सेटअप, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स तो मिलेंगे ही, साथ ही साथ इसमें आपको स्लीपर असिस्ट क्लच, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, TCI इग्निशन और साइड स्टर्न इंजन कटअप सेंसर जैसी काफ़ी सारे एडवांस फीचर्स देखने को मिलेगा। बाइक की ब्रेक और सस्पेंशन सेटअप की बात करें तो बाइक के फ्रंट पे USD सस्पेंशन और रियर में एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन का सेटअप मिलेगा। वहीं बाइक पे डुअल डिस्क ब्रेक के साथ साथ डुअल चैनल ABS ब्रेकिंग सिस्टम भी मिलेगा। बाइक के स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं तो इस बाइक में आपको 149 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल 4-स्ट्रोक 4-वाल्व SOAC फ्यूल इंजेक्टेड BS6 कंप्लायंट इंजन मिलेगा जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 16.09 BHP की 8500 RPM पर और मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है 14.3 Nm का 7500 RPM पर। और ये जो बाइक है दोस्तों वो 6 स्पीड गियरबॉक्स सेटअप के साथ आती है। माइलेज की बात करें तो इस बाइक में आपको 45 KMPL का माइलेज देखने को मिल जाएगा। वहीं प्राइसिंग की बात करें तो इस बाइक को अगर हमारे इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च की जाती है तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस 1,65,000 से 1,70,000 के बीच हो सकती है। वहीं लॉन्चिंग की बात करें तो दोस्तों मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि यामा कंपनी अभी इस बाइक को जो है हमारे इंडिया के बाहर इंटरनेशनल मार्केट में सेल करती है और हो सकता है इसे हमारे इंडियन टू व्हीलर मार्केट में भी बहुत जल्द लॉन्च कर सकती है। तो अब लोग ही बताइए दोस्तों कि यामा कंपनी को जो है इस बाइक को हमारे इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो इसकी प्राइस पॉइंट कितनी होनी चाहिए, जो भी ओपिनियन हो दोस्तों वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। आई होप कि वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बाइक से रिलेटेड ऐसे इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको आगे भी ऐसे ही बाइक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी ही बाइक की इन्फॉर्मेशन लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। टेक केयर। बाय बाय। जय हिंद।